ना नहीं, ये नहीं हो सकता है। अगर ये एपिसोड तुम्हें देखने को मिल गया ना, तो ये पोकेमोन के इतिहास का, पोकेमोन के हिस्ट्री का सबसे भयानक एपिसोड होने वाला है। इससे डेडली, इससे इंटरेस्टिंग एपिसोड तुमने कहीं नहीं देखा है। अरे ग्रीन का गार्डन, अरे घंटा, इसके सामने कुछ भी नहीं है। सैना गार्डन कुछ भी नहीं है। बेस्ट एपिसोड होने वाला है, फुल लॉजिक के साथ बताएगा मैं। वीडियो को शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। मेनली ये जो होने वाला है ना, ये कनेक्टेड है मेगा चार्जर वाई से, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों देखो, मेगा चार्जर वाई जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है आने वाले समय में। मर्चेंडाइज अभी भी आ रहे हैं मेगा चार्जर वाई के, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है मेगा चार्जर वाई का। तो देखो ये मेगा चार्जर वाई किसका होगा? अगर ये मास्टर एट में किसी का है, तो ये टॉप 4 ट्रेनर्स का होने वाला है। बिकॉज जो बाकी के 4 ट्रेनर होंगे वो पहले राउंड में हार जाएंगे। कौन कौन हारा है मैं बता देता हूँ। स्टीवन हार जाएगा, आयरिस हार जाएगी, लेंस हार जाएगा, एलन हार जाएगा। तो इन चारों में से लेंस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे, बट ये पहले राउंड में बार हो चुका है। तो राउंड टू में ये जाएंगे नहीं, राउंड टू में जाएंगे नहीं, तो ये बैटल करेंगे नहीं। अगर ये बैटल करेंगे नहीं तो फिनोमिना का यूज़ करेंगे नहीं। अगर ये फिनोमिना का यूज़ करेंगे नहीं तो मेगा चार्जर वाई आएगा नहीं। तो इनके पास तो नहीं है, बट यानी कि आगे के आने वाले 4 ट्रेनर्स जो है उन्हीं में से किसी का होने वाला है। यानी कि ध्यान था, लियोन, मेरी सिंथिया एंड तुम्हारा स्केचम, इनमें से किसी का होने वाला है। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और मुझे इस बात का पता चला है, इसमें से तुम मेरी सिंथिया एंड मेरी दियांथा को बाहर कर सकते हो। इनका चाइजार का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अगर चाइजार वेस्ट में है तो ये ईस्ट में है, अगर चाइजार नॉर्थ में है तो ये साउथ में है। मतलब ना इनका चाइजार तो होने नहीं वाला। अब 2 ट्रेनर बचते हैं, वो है लियोन एंड स्केचम। काफ़ी सारे भयानक पॉसिबिलिटीज है, बता रहा हूँ। पहली पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है सिंथिया वर्सेज एस के मुकाबले में ये मुकाबला जो हो इतना ज़्यादा इंटेंस हो कि यह पूरा का पूरा वाइट डोन स्टेडियम जो है डिस्ट्रॉय हो जाए। और जो अगला मुकाबला होगा वो होगा ना 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 ग्लार में नहीं, बिकॉज स्टेडियम में डिस्ट्रॉय कर दिया है बे, वो होगा इंडिगो लीग में। बिकॉज यार पोकेमोन के इतने भयानक भयानक मुकाबले हो रहे हैं, मास्टर एट के मुकाबले हो रहे हैं, मतलब अभी तक के सबसे बेस्ट मुकाबले हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा पावर लेवल वाले ट्रेनर्स आमने सामने आ रहे हैं। तो यार ये स्टेडियम कौन से मटेरियल का बना है बे, डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो रहा है? तो यार अगर तुमने बेबलेट देखा है तो तुम्हें पता होगा उसमें मुकाबले इतने ज़्यादा इंटेंस हुआ करते थे कि यार स्टेडियम डिस्ट्रॉय हो जाते थे। तो सेम टू सेम फॉर्मूला पोकेमोन वाले यहाँ पे कर सकते हैं। मुकाबला इतना ज़्यादा हटके होगा कि स्टेडियम जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यार जो नेक्स्ट मुकाबला होगा यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। बेस्ट तरीका है किसी भी पोकेमोन का पावर लेवल का, बैटल की इंटेंसिटी दिखाने का, स्टेडियम को डिस्ट्रॉय कर दो। बता रहे ला मैं, स्टेडियम पक्का डिस्ट्रॉय होगा। और फिर जो मुकाबला है फाइनल मुकाबला, वो हमको दिखने को मिलेगा इंडिगो लीग में। और तुम्हें पता है जीमैक्स फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ग्लार रीजन में है। अगर इंडिगो लीग में जाएंगे मुकाबला करना है तो वहाँ पे यार अपने लियोन के पास उसका फेवरेट जीमैक्स रिवोल्यूशन नहीं होने वाला है। बट ये सेंस नहीं बनाएगा, बिकॉज तुम्हें पता है, मुझे ही पता है, हमने फाइनल में लुकारियो को, जीमैक्स टाइजर को देखा है। यानी कि सिंथिया वर्सेस एस के मुकाबले में तो यार डिस्ट्रॉय नहीं होगा स्टेडियम। बट मैंने ये कब बोला कि यार इसमें ही होगा? ऐसा भी तो हो सकता है स्टेडियम जो होगा डिस्ट्रॉय होगा लियोन वर्सेज एस के मुकाबले में। यानी कि मैंने तुम्हें बता रखा है मुकाबला ड्रॉ होने के चांसेस ज़्यादा है। तो पहला जो मैच होगा एस वर्सेज लियोन का, उसमें स्टेडियम डिस्ट्रॉय हो जाए, और उसके ही सीन हमको ओपनिंग सॉन्ग में देखने को मिला है। और जैसे स्टेडियम डिस्ट्रॉय हो गया, जीमैक्स आइजार्ड एंड लुकारे वाला बैटल वहाँ पे फिनिश हो जाएगा। और फिर हमको इनका रीमेज जो है देखने को मिलेगा 6 vs 6 का मुकाबला, वाइडोन स्टेडियम में नहीं, ग्लार रीजन में नहीं, हमको देखने को मिलेगा इंडिगो लीग में, इंडिगो स्टेडियम में। ये काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाएगा, बिकॉज वो एस का होम टाउन है, हमारी बचपन की यादें उसके साथ जुड़ी हुई है। और जहाँ से एस के सामने स्टार्टिंग की थी वहीं पर वो आ जाएगा, जिस लीग में वो सबसे पहली बार हारा था, जिस स्टेडियम में सबसे पहली बार हारा था, उसी स्टेडियम में आकर वो लियोन को हरा देगा। यानी कि दोस्तों जीमैक्स चाइजर को हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर पोकेमोन ने ठान लिया है कि एस को जिताने जिताना है, तो यार उनको लियोन को थोड़ा सा वीक करना पड़ेगा। उसको वीक कर सकते हैं उसके जीमैक्स पावर को छीन कर, वो यार जीमैक्स पावर को यूज़ नहीं कर पाएगा, तो डेफिनेटली वो यूज़ करेगा मेगा चाइजर वाई को, जो कि फ्लाइंग एंड फायर टाइप का है, जिसको आराम से अपना पिकाचू भी हरा देगा, लुकारियो भी हरा देगा, बिकॉज सुपर इफेक्टिव होगा। बट अगर जीमैक्स चाइजर मुकाबला करेगा लुकारियो से, तो एक जीमैक्स वाइल्ड फायर में अपना
लुकारियो जो है आउट हो जाएगा। तो पोकेमोन वाले ऐसा करेंगे नहीं, तो डेफिनेटली यार ये थ्योरी सेंस बनाती है कि फाइनल मुकाबला रीमेज मुकाबला जो है इंडिगो स्टेडियम में होगा, जहाँ पे मुकाबला करेंगे। और पिकाचू जो है पहली बार वहाँ पे हार गया था इंडिगो स्टेडियम में, तो उसका बदला पूरा करने के लिए पिकाचू जो है इंडिगो स्टेडियम में इस बार चार्जर को हरा देगा। सेम पोकेमोन होगा, सेम स्टेडियम होगा, सिर्फ बदलेगा टाइम, समय बदलेगा, और डेफिनेटली ये काफ़ी इंटेंस मुकाबला होगा। अगर पोकेमोन को दिखाना यही है कि जीमैक्स पोकेमोन का यूज़ करना ही करना है, तो यार रहने दो, इस स्टेडियम वाली थ्योरी को तुम कैंसिल कर दो, मुकाबला जो है वाइडोनो स्टेडियम में ही होने वाला है। लेकिन इस बार MCY जो है अपने लियोन का नहीं एस कैसम का हो सकता है। तुम्हें पता है अपना एस का साइजर जो है फॉलो कर रहा है एस के मासेट की जर्नी को, मासेट के मुकाबले को, तो कहीं ना कहीं वो जैसे ही देखेगा लियोन के चाइजर को तो एस का चाइजर बोलेगा मुझे इसको हराना है। मेरा सपना था सबसे पावरफुल चाइजर बनना, तो मैं सबसे पावरफुल चाइजर बनूंगा इसको हरा कर। तो पोकेमोन वाले सारे पोकेमोन का सपना पूरा कर रहे हैं, चाहे वो ग्रीन जा हो इन्फर्नेपो, सारे ट्रेनर का सपने पूरा कर रहे हैं, लेकिन चाइजर के सपने का क्या हुआ? तो ऐसा हो सकता है MCY हो एस के चिम का। अगर इसका भी नहीं होने वाला है ना ये MCY, तो ये हो सकता है पोल का। बिकॉज तुम्हें पता है पोल के पास वो पोकेमोन है जो कि मास्टर के पास है, उसके पास गैराडोस है जो कि लेंस के पास है, उसके पास मेटाग्रोस है जो कि स्टीवन के पास है, उसके पास यार लिटरली गार्चूम्प है जो कि सिंथिया के पास है, यानी कि बाकी के तीन ट्रेनर के पोकेमोन भी इसके पास हो सकते हैं। लाइक गार्डे वाले पोकेमोन जो कि दियांथा के पास है, हेक्सोडस पोकेमोन जो कि आइरिस के पास है, और चाइजर पोकेमोन जो कि अपने किसके पास है, यस लियोन के पास है। तो हाँ, फाइनल मुकाबले से पहले, लियोन वर्सेस एस के मुकाबले से पहले पोल आ सकता है एस को ट्रेन करने, जिस तरीके से मासेट के पहले वो आया था ट्रेन करने, उसी तरीके से फाइनल मुकाबले से पहले वो चाइजर को लेके, मेगा चाइजर वाई को लेकर आ सकता है ट्रेनिंग देने के लिए। अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, ध्यान से सुनना, खुशी के मारे पागल मत हो जाना। तो हमको फाइनल में लियोन वर्सेस एस के मुकाबले के पहले एस देख सकता है चाइजर ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए। बिकॉज अगर चाइजर को हराना है तो चाइजर ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एस रिमेज करेगा अपने लुकारियो के साथ, पिकाचू के साथ, दूसरे चाइजर ट्रेनर से, लाइक एलान तो वहाँ पर होगा, तो एस किसम एलान से भी रिमेज करेगा मेगा चाइजर एक्स के साथ, और पोल से भी रिमेज करेगा MCY के साथ। यहाँ पे MCY की कहानी जो है कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों हमको क्यूए भी देखने को मिलेगा जो कि जी मूव लेके आएगा अपने चाइजर का, तो क्यूए भी हमको यहाँ पे फुल एंड फुल एक्शन में देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी बात होने वाली है, तुम्हें आइडिया नहीं है। और यहाँ पे एस का चाइजर भी होगा, एस को ट्रेनिंग देने के लिए आएगा, जो कि होने वाला है नॉर्मल फॉर्म के अंदर। और यहाँ पे अगर सब कुछ बढ़िया रहा ना, तो यहाँ पे लीजा भी आ सकती है। यस, मेरी लीजा जोड़ो रीजन से, अगर तुम इसको जानते नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, ये वही लड़की है जिसने एस के चाइजर को ट्रेनिंग दी है। ये वही लड़की है जो कि यार चाइजर के बारे में सबसे ज़्यादा जानती है पूरी की पूरी पोकेमोन दुनिया में, बिकॉज बचपन से ये चाइजर के साथ बड़ी पली हुई है, यानी कि यार बचपन से इसके पास चाइजर की नॉलेज है। तो कहीं ना कहीं यार ये आकर एस को टिप दे सकती है, ट्रिक बता सकती है कि चाइजर को कैसे हरा सकते हैं। बिकॉज चाइजर को ये आराम से हरा सकती है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसका एक्सपीरियंस इसके लिए काफ़ी काम आएगा। सोच सकते हो ना, फाइनल मुकाबले से पहले एक एपिसोड आएगा चाइजर ट्रेनर रीयूनियन करके, जहाँ पे एलान का चाइजर होगा, पोल का चाइजर होगा, लीजा का चाइजर होगा, एस का चाइजर होगा, केवी का चाइजर होगा, और सब चाइजर मिलके आपस में करेंगे ट्रेनिंग। कितना भयानक एपिसोड होगा, इसके कारण लुकारियो जो है वो भी ज़रा ओवर पावर बन जाएगा। और या अगर फिनाले में इस एपिसोड के बाद वो हरा देगा लियोन के चाइजर को, तो ऐसा नहीं लगेगा कि यार एक के पास प्लॉट आर्मर है, कुछ यार छोटे मोटे बच्चे जो होते हैं ना फर्स्ट क्लास के, वो बोल रहे हैं कि भाई भाई एस के पास प्लॉट आर्मर है, वो लियोन को कैसे हरा सकता है, अरे तुमको कूल नहीं बनना है। कुछ लोग सोचते हैं क्या जल्दी से एस को प्लॉट आर्मर बोल देता हूँ, एस को वीक बोल देता हूँ, कूल लगूंगा, कूल नहीं फूल लगते हो। तो यार इस तरीके से एस के पास प्लॉट आर्मर नहीं रहेगा, उसने मेहनत की है, एक्सपीरियंस है, चाइजर ट्रेनर से मुकाबला किया है, फिर जाके वो लियोन को हराएगा। तो डेफिनेटली ये स्टोरी परफेक्ट होगी, बता रही लाइव में, अगर ये एपिसोड पोकेमोन वालों ने बता दिया चाइजर के सारे फिनोमिना को, चाइजर के सारे ट्रेनर को, एस के साथ ट्रेनिंग कर रहा है मेगा चाइजर एक्स, मेगा चाइजर वाई, जी मैक्स चाइजर लीजा का, भाई साहब क्या होगा, नॉर्मल चार्जर भी है इस किस्म का। तो ये एपिसोड जो है बेस्ट एपिसोड होगा। तुम बताओ क्या तुमको ये एपिसोड देखना है, अगर देखना है तो लाइक कर दो, क्या पता सच में ये एपिसोड तुम्हें देखने को मिल जाए, सब्सक्राइब कर दो, एंड बाय बाय।